सेल अने बेटरीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट टू में आपनो हार्दिक स्वागत है। मित्रों पार्ट वन में आपने प्रश्न नंबर एक थी प्रश्न नंबर वीस जोया। आज जोईशु प्रश्न नंबर एक वीस। वॉट इज द आउटकम एट द पॉजिटिव प्लेट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इन लेड एसिड बेटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। लेड एसिड बेटरी ना चार्जिंग दरमियान केमिकल रिएक्शन एटले के रासायनिक प्रक्रिया पछी पॉजिटिव प्लेट पर शू जमा थशे। तो मित्रों आनो जवाब छे बी फॉर बॉम्बे लेड पेरोक्साइड PbO2। प्रश्न नंबर 22। वाय द वेंट प्लग इज केप्ट ओपन ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए बैटरी। बैटरीना चार्जिंग दरमियान वेंट प्लग ने शा माटे खुल्ला करवामां आवे छे, शा माटे खुल्ला राखवामां आवे छे। तो जवाब छे ए फॉर अमदावाद, टू एस्केप द गैस फ्रीली। गैस ने सरळताथी स्वतंत्रपूर्वक बहार निकळवा माटे वेंट प्लग ने अपने खुल्ला राखीए छे। प्रश्न नंबर 23। इन विच मेथड द बैटरी इज चार्ज एट लो करंट फॉर लॉन्ग पीरियड। कई पद्धति में बैटरी ने ओछा करंट थी लांबा समय सुधी चार्ज करवामां आवे छे। तो जवाब छे बी फॉर बॉम्बे ट्रिकल चार्जिंग मेथड। प्रश्न नंबर 24। हाउ द हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी कैन बी रेक्टिफाइड। लेड एसिड बैटरी में हार्ड सल्फेशन नी खामी ने केवी रीते ओळखवामां आवे छे। तो जवाब छे सी फॉर चेन्नई, रिचार्जिंग द बैटरी फॉर अ लॉन्गर पीरियड एट लो करंट। बैटरी ने ओछा करंट थी लांबा समय सुधी रिचार्ज करीने जानी शकाय छे। प्रश्न नंबर 25। विच मटीरियल इज यूज एज कैथोड इलेक्ट्रोड इन सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कैथोडना इलेक्ट्रोड तरीके क्यूँ मटीरियल वापरवामां आवे छे? तो जवाब छे ए फॉर अमदावाद, जिंक जसट। प्रश्न नंबर 26। वॉट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। चांदीनो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एले के ईसी केटलो होय छे? तो जवाब छे आनो डी फॉर दिल्ली, 1.1182 मिलीग्राम पर कूलम्ब। प्रश्न नंबर 27। वॉट इज द आउटकम ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन नेगेटिव प्लेट ऑफ लेड एसिड बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। लेड एसिड बैटरी ना डिस्चार्जिंग वखते रासायनिक प्रक्रिया पछी नेगेटिव प्लेट पर शू जमा थाय छे? तो मित्रों आनो जवाब छे सी फॉर चेन्नई, लेड सल्फेट PbSO4। प्रश्न नंबर 28। वॉट इज द पर्पज ऑफ सेपरेटर इन लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर राखवानो हेतु शू होय छे? तो जवाब छे सी फॉर चेन्नई, टू एवॉइड शॉर्ट इन बिट्वीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव अने नेगेटिव प्लेट वच्चे शॉर्ट सर्किट न थाय ते माटे। प्रश्न नंबर 29। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी नी अंदर इलेक्ट्रोलाइट नी स्पेसिफिक ग्रेविटी मापवा माटे क्यूँ साधन वापरवामां आवे छे? तो जवाब बी फॉर बॉम्बे, हाइड्रोमीटर। 30 नंबर। विच टाइप ऑफ इन्वर्टर सर्किट। तो आ सर्किट में कया प्रकार की इन्वर्टर सर्किट है? तो मित्रों आनो जवाब छे बी फॉर बॉम्बे, SCR यूज इन्वर्टर। इन्वर्टर SCR ना उपयोगवारी सर्किट अँ दर्शाली है। 31 नंबर। वॉट इज द इफेक्ट ऑफ बकलिंग डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में बकलिंग नी जे खामी है, प्लेटो वाँकी वरवानी जे खामी है, तेनाथी शू प्रभाव पड़े छे, तेनाथी शू असर थाय छे? तो मित्रों आनो जवाब छे ए फॉर अमदावाद, बेन्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड वाँका वरी जाए छे। प्रश्न नंबर 32। वॉट इज द टोटल आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट। सर्किटनो कुल आउटपुट वोल्टेज केटलो छे? मित्रों आनो जवाब छे बी फॉर बॉम्बे, 1.5 वोल्ट। सर्किट सीरीज में जोड़ेली है, पण तमे जोई शको छो कि वच्चे नो सेल जे छे एनी पोलारिटी अलग छे, माटे आउटपुट वोल्टेज तमने 1.5 वोल्ट मळशे। प्रश्न नंबर 32 छे।
विच इज यूज एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन ए ड्राई सेल। ड्राई सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तरीके शू वापरवामां आवे छे? तो जवाब छे नो बी फॉर बॉम्बे कार्बन। प्रश्न नंबर 34, वॉट हेपन टू द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल इफ लोड इन्क्रीज। लोडना वधारानी साथे सेलना टर्मिनल वोल्टेज में शू फरक पड़े छे? तो जवाब छे नो बी डिक्रीज, टर्मिनल वोल्टेज में घटाड़ो थशे। 35 नंबर, हाउ लोकल एक्शन डिफेक्ट इज प्रिवेंटेड इन वोल्टेज सेल। वोल्टेज सेल में लोकल एक्शन की खामी ने केवी रीते रोकवामां आवे छे? तो जवाब छे नो डी फॉर दिल्ली, बाय अमलगमेटिंग द जिंक प्लेट, एटले के जसटनी प्लेट, शुद्ध जसटनी प्लेटनो उपयोग करीने। प्रश्न नंबर 36, वॉट डज द लेटर जेड इंडिकेट्स इन द फॉर्म्यूला एम इज इक्वल टू जेड आई टी। तो एम बराबर जेड आई टी में झेड जे छे शू दर्शावे छे? तो जवाब छे आनो बी फॉर बॉम्बे ईसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बराबर, जे इलेक्ट्रोलाइट छे एनो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंटनो आँख दर्शावे छे। प्रश्न नंबर 37, वॉट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। तांबानो ईसी એટલે કે ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ ઇક્વેવેલન્ટ કેટલો હોય છે? તો જવાબ છે એ ફોર અમદાવાદ 0.329 મિલીગ્રામ પર કુલમ્બ। પ્રશ્ન નંબર 38, વિચ ઇઝ ધ કોઝ ફોર બકલિંગ ડિફેક્ટ ઇન લેડ એસિડ બેટરી। લેડ એસિડ બેટરીમાં પ્લેટો વાંકી વરી જાય છે, તેના માટેનું કારણ શું છે? તો જવાબ છે આનો એ ફોર અમદાવાદ ઓવરચાર્જિંગ ઓર ઓવર ડિસ્ચાર્જિંગ। ઓવરચાર્જિંગ કરો કે વધારે પડતું ડિસ્ચાર્જિંગ કરો ત્યારે આ બકલિંગની ખામી સર્જાય છે। પ્રશ્ન નંબર 39, વિચ એપરેટસ ઇઝ યુઝ ટુ ચેક ધ ચાર્જિંગ કન્ડિશન ઓફ વોલ્ટેજ ઇન બેટરી। બેટરીની ચાર્જિંગ કન્ડિશન વખતે વોલ્ટેજને માપવા માટે કયું સાધન વાપરવામાં આવે છે? તો જવાબ છે આનો ડી ફોર દિલ્હી, હાઈ રેટ ડિસ્ચાર્જ ટેસ્ટર। અને પ્રશ્ન નંબર 40 છે, વિચ પાર્ટ ઇઝ લૂઝિંગ ઇલેક્ટ્રોન ડ્યુરિંગ ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ। વિદ્યુત વિઘટનની જે પ્રક્રિયા છે એ દરમિયાન ઇલેક્ટ્રોન કોણ ગુમાવે છે? તો જવાબ છે બી ફોર બોમ્બે એનોડ। તો મિત્રો, વિડીયો પસંદ આવે તો તેને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોનના બટનને દબાવવાનું ભૂલશો નહીં। આભાર મિત્રો, થેન્ક યુ વેરી મચ।